ये हैं पुलिस की दो ऊंचे लंबे गबरू नौजवान कांस्टेबल फैसल हनान और आलम, जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर तो आवाम पर रोब जमाया ही, मगर इनके टिकटॉक वीडियोस ने भी सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। बेसिक हमारा मकसद था कि हम यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करें, ताकि लोगों के जो दिमाग में एक इमेज बना हुआ है उस इमेज को चेंज करने के लिए हमने खुद को यूटिलाइज किया। फैसल, आप मुझे ये बताएं कि पुलिस में आने का कैसे शौक हुआ, इस लाइन में क्या बचपन से शौक था? नहीं, शौक तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल से मुराद ये नहीं कि नफरत थी। मेरे वालिद साहब पुलिस में हैं, तो मेरी वालदा का ये ख्वाब था कि मैं पुलिस में जाऊं। उन्होंने कहा कि आपने पुलिस में जाना है, मैंने कहा ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट किया मैंने, तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया पुलिस में। आप मुझे बताएं, आपको भी क्या बचपन से शौक था या इनकी तरह आप भी आना नहीं चाहते थे और ज़बरदस्ती से आ गए? नहीं, बेसिकली मेरे वालिद साहब भी पुलिस में हैं, तो उनको देखता था माशाल्लाह यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, तो मेरा भी यही शौक था कि मैं भी वालिद साहब जैसा ही बनूंगा पुलिस ऑफिसर। तो जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुलिस में अप्लाई किया और सेलेक्ट हो गया माशाल्लाह। साहब, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे आने का कब आपने सोचा और कितनी देर से आप वीडियोज़ बना रहे हैं टिकटॉक पर? बेसिक हमारा मकसद था कि हम यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करें, एक अच्छा यूनिफॉर्म पहने, ताकि लोगों के जो दिमाग में एक इमेज बना हुआ है हमें लेकर कि ये कम पढ़े लिखे होते हैं और यूनिफॉर्म अच्छा नहीं पहनते, यूनिफॉर्म में चेक हेड़ी होती है और इन्हें ये अच्छी सैलरी अपना लेते हैं, तो उस इमेज को चेंज करने के लिए हमने खुद को यूटिलाइज़ किया, एक चीज़ को अपनी यूनिफॉर्म को अच्छे तरीके से मेंटेन किया, खुद के यानी फिजीक को अच्छे जगह पर ले गया, ताकि कुछ पहने यूनिफॉर्म पहना हुआ अच्छा लगे और दूसरा जो इंसान जो सिविलियन है जिसके लिए हम जा रहे हैं वो देख कर हमारी इज्जत और ये सोचे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये अब वैसे नहीं रहे जो पहले लोग आते थे। आप मुझे बताएं कि दोनों ने वीडियोस आलम कट्ठे बनाई और दोनों दोस्त हैं, तो पहली जो वीडियो वायरल हुई थी वो किस कंटेंट पे थी? बेसिकली हमारी वीडियोस जो हनान भाई हैं, इन्होंने पहले स्टार्ट किया था टिकटॉक, तो इन्होंने पुलिस लाइन जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है, जहाँ से हम सारे पुलिस डिपार्टमेंट अलहदा अलहदा एरियाज़ में ड्यूटी के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने एक वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई है, पुलिस की जो गाड़ी नहीं होती जिसको हम पंजाबी में डाला कह देते हैं, वहाँ से इन्होंने बहुत हैवी किस्म का जंप लगाया है, तो वो वीडियोस काफ़ी कोई तकरीबन कोई 15 मिलियन आई थिंक वहाँ तक वायरल हुई थी, तो वहाँ से फिर इनको इन्होंने टिकटॉक को कंटिन्यू रखा, तो फिर इनको देख के इनसे बाद मैंने इनसे सीखा, इन्होंने मुझे सिखाया कि टिकटॉक कैसे यूज़ करते हैं, आप भी बनाया करो मेरे साथ, तो एडिटिंग सिखाई, तो फिर वहाँ से मैंने अच्छा, भी आपने इनको देखे टिकटॉक बनाया? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये डाले से जंप लगाने का आइडिया कैसे है, कि आपको पता था कि मैं छलांग लगाऊंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा? नहीं, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वायरल हो जाऊंगा, बस मैंने ऐसे जिम से बाहर निकलूँ तो मैंने कहा एक जंप होना चाहिए, वो मैंने ऐसे रैंडमली लगा दिया और लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो यहाँ से यहाँ तक आ गई और मैं रातों रात ही सोशल मीडिया का स्टार बन गए। गलती से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस वाले अमूमन आम तौर पे देखा जाए तो इतने फिट नहीं होते, तो आप दोनों तो माशाल्लाह फिट भी हैं और हाइट भी आपकी इतनी अच्छी है, खुद की फिटनेस पे कितना खर्चा करते हैं और ये टिकटॉक पे आने के बाद फिट हुए या उससे पहले भी थे? स्टार्टिंग में ही हमने अपनी डाइट अच्छी रखी है, तो जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट में आए तो हमने अपनी इम्प्रूवल की है अपनी बॉडी में और ज़्यादा, जिम को स्टार्ट किया, डाइट अच्छी रखी है, तो ये यूनिफॉर्म जो हमने प्यारे प्यारे पहने ये हमने खुद स्टिच कराए हैं। ये आपने खुद स्ट्रेच कराया? जी बिल्कुल। इन्होंने बताया कि ये तो देसी खुराकें खाते हैं, आप बताएं आपकी क्या डाइट है? देखें भाई, गांव से बिलोंग करते हैं और मुझे जब कोई चीज़ चाहिए हो, दूध मक्खन देसी घी, और मैं इनसे मंगवाता हूँ, कुछ भी गुड़ शक्कर चाहिए हो ये चीज़ ही लेके आते हैं, देसी खुराकें खाते हैं, ये भी लेके आते हैं, और उसके अलावा जो लाहौर से मिलती हैं जो आपको बताएं वो दूध होता है, उसके अलावा अंडे होते हैं, या आप देख लें कोई जिम जो बंदा करता है बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उसके लिए सप्लीमेंट्स होते हैं। कितना खर्चा आता है दोनों की अपनी फिटनेस पे? ये तो यानी कि ये है कि सैलरी हमारे माँ बाप कहते हैं ये एटवाड़ी है बस। वो कहते हैं एटवाड़ी है, तुसी अपने लाओ। सारी सैलरी क्या फिटनेस पे खर्च कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं, फिटनेस और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और फिटनेस पे खर्च करते हैं। तकरीबन हमारा यूनिफॉर्म 7000 का हर मंथ, डेढ़ मंथ बाद हमारा स्टिच होता है, देख लें आप, अगर 42,000 सैलरी है तो 7,000 का यूनिफॉर्म है, तो बाकी आप देख लें वो डाइट शूज ये वो हर एक चीज़, 8,000 के हमारे शूज हैं, तब प्रॉपर अपने ऊपर सारा पैसा लगाते हैं, तो घर वाले बोलते नहीं है? नहीं बोलते, वो कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी वीडियोस जब आपके बड़े अफसर देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन है आपकी वीडियोस देखने के बाद? उनका रिएक्शन ये कि बेसिकली ना हमारे ऑफिसर जो है ना वो अच्छे जवान को अप्रिशिएट करते हैं। अभी हमने एक ऑफिशियली वीडियो की है ईद के हवाले से,
कि एक पुलिस वाला अपनी फैमिली को ईद वाले दिन भी छोड़कर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जिसमें आईजी साहब के हुक्म से हम दोनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इससे पहले भी हम 15 की फेक कॉल पे 2 साल पहले वीडियो कर चुके हैं आईजी साहब के हुक्म से, अब फिर किए हैं। साहब मुझे ये बताएं कि जब आप वीडियोस बनाते हैं आपकी ड्यूटी का जो टाइमिंग है वो इतनी मुश्किल होती है, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं टाइमिंग को, वीडियोस बना के ऑन ड्यूटी बनाते हैं या ड्यूटी खत्म होने के बाद बनाते हैं, आप बताएं। नहीं, बेसिकली हम ये वीडियोस के लिए कोई बकायदा टाइम नहीं निकालते। जो हमारा डिपार्टमेंट का जो टाइम होता है, जो ड्यूटी का तकरीबन को 8 घंटे अगर 10 घंटे कभी कभी तो 24 घंटे भी ड्यूटी हम देते हैं, तो इसके लिए ये नहीं कि हम ड्यूटी पे खड़े हुए हैं तो जी वहाँ पे हम अपना शूटिंग स्टार्ट कर दें जी, ये वो ऐसा नहीं करते। हम अपनी ड्यूटी का जो टाइम है वो हम पूरा अपने डिपार्टमेंट को देते हैं, तो उसके बाद हम अपना यूनिफॉर्म में कोई 15-20 मिनट निकाल के कुछ 2-4 वीडियोस बना लेते हैं, बस यही हमारे पास टाइम होता है और बकायदा टाइम। साहब मुझे ये बताएं डिपार्टमेंट से इजाज़त मिल गई है आसानी से? इजाज़त तो नहीं मिलती, लेकिन अगर डिपार्टमेंट अगर आपको रोकता है तो आपके बुरे बिहेवियर पर रोकता है। अगर आप किसी को अच्छा मैसेज दे रहे हैं तो उस पर तो कोई नहीं रोकता आपको। हमारा होता है कि हम पुलिस की इमेज को अच्छा बनाएं। हम एक कॉन्स्टेबल हैं, जितने हमारे पास इख्तियार हैं हम उसे इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी को गलत ब्रीफ करते हैं, ना टीच करते हैं, ना किसी को गलत रास्ता दिखाते हैं। हम खुद अच्छे ट्रैक पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट लोगों को भी अच्छे ट्रैक पे लेके आएंगे और ये सफ़र इसी तरह जारी रखेंगे हम तो। सर, लोग जब आपको वर्दी में टिकटॉक बनाते हुए देखते हैं, आपकी वीडियोज़ देखते हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? उनका रिस्पांस जो है नेगेटिव ही आता है कि पता नहीं ये ड्यूटी भी करते हैं कि नहीं। अक्सर हमारे आप कमेंट सेक्शन चेक कर लें तो यही कमेंट आते हैं कि आप लोग ड्यूटी कब करते हो, ड्यूटी कब करते हो, एनी टाइम जब भी देखें अगर टिकटॉक ओपन करते हैं तो आप लोगों की वीडियोस आती हैं। तो इसके लिए हमारे पास मुकर्रर, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मुकर्रर टाइम नहीं होता हमारे पास। बेसिकली हमारी वीडियोज़ का ज़्यादातर हमारी वीडियोज़ होती है एक मैसेज होता है कि अगर हम घर से यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं, हमारा मकसद है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, लोगों का ख्याल रखना। हम ये यूनिफॉर्म पहना है तो इसका मकसद ये नहीं है कि ओनली हम चोर डाकुओं को ही पकड़ें। हमारा मकसद है कि कोई मजदूर बंदा अगर रोड में बैठा हुआ है या भूखा प्यासा बैठा हुआ है तो किसी मजदूर को रोड क्रॉस करवा दें या किसी भूखे को खाना खिला दें। आपकी वीडियो ज्यादातर मोटिवेशनल होती है? जी बिल्कुल, ऐसे ही। इसकी क्या वजह, इसका क्या मकसद था, क्या क्या आइडिया है कि आपको इसी तरह की वीडियोस बनानी इस कंटेंट के ऊपर? बेसिक ये हमारा काम है, भाई ने बिल्कुल सही फरमाया कि चोर डाकुओं के अलावा हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हेल्पिंग हैंड्स हैं, ठीक है। हमारा फ़र्ज़ है लोगों की खिदमत करना, अपनी जेब से भी लोगों को देना, ठीक है। ये अल्लाह पाक भी इससे खुश होता है और हमारे अफसर भी खुश होते हैं और लोगों को अच्छा मैसेज भी कन्वे होता है। इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, 1.4 मिलियन दोनों को फ़ैन फॉलोअर्स हैं। मुझे ये बताएं कि फॉलोअर्स में फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा है या मेल की? दोनों बराबर है। नहीं, मुझे लगता है फीमेल ज़्यादा होंगी। वो क्यों होंगी, फीमेल्स क्यों ज़्यादा होंगी? कि जाहिर बात आप इतने फिट हैं माशाल्लाह, तो फीमेल की तादाद ज़्यादा होगी। आप मुझे बताएं फीमेल ज़्यादा है या मेल है? दोनों देखेंगे। ये यूनिफॉर्म है ना, जो चाहे ये आर्मी का हो या नेवी का हो, किसी भी एक डिपार्टमेंट का हो, इसमें अट्रैक्शन इतनी है कि कोई बंदा इसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। कोई बंदा नहीं, फीमेल तारीफ किए बगैर रह नहीं सकती, ऐसा है? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, कोई ऐसी जुनूनी फैंस होते हैं, बहुत ज़्यादा जुनून वाले होते हैं, कोई ऐसा फ़ैन जो आप कोई भूले ना हो? एक दफ़ा मैं बेसिकली मैं रहता हूँ आउट ऑफ सिटी, तो मैं लोकल सफ़र करता हूँ, तो बेसिकली मैं बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, तो एक हमारी बहन समझ लें, एक बाप की बेटी, अपने वाले साहब के साथ सफ़र कर रही थी बाइक पर, तो वो मेरे से थोड़ा सा दूर खड़े हो गए हैं, तो मुझे देख लिया उन्होंने दूर से ही कि वो मिस्टर संधू खड़ा है टिकटॉकर, और मैं तो अभी बस का वेट कर रहा हूँ, तो वो दूर से उन्होंने फ़ोन निकाल दिया है, पापा पापा बाइक खड़ी करें ज़रा, और दूर से उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वो आस्ता आस्ता आ रहे मेरे पास आके वीडियोज़ बना रहे। अब मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। मैंने कहा अंकल जी आप रुके क्यों बना रहे हैं मेरी वीडियोज़? तो वो कह रहे हैं भैया मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपकी वीडियोज़ लाइक करती हूँ, इसलिए आपकी वीडियोज़ बना रही हूँ। बस वो मुझे नहीं बोल रहा कि मैं अपने ध्यान में खड़ा हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ और मेरी वीडियोस बन रही हैं रोड पे। अच्छा आप लोकल सफर करते, कभी ऐसा हुआ कि बस वालों ने आपसे किराया ना लिया, ये कह के टिकटॉक बड़ा मशहूर है? नहीं नहीं, पुलिस वाला भी है। ऐसे होता है किराया वगैरह वो, लेकिन हम अपना वो जो जितना भी होता है वो किराया हम दे के सफर करते हैं। जब फैसल बहुत प्रमोशन से पूछती हूँ कि जरा बताएं आपका कोई फैन है जुनूनी, कोई लड़की फैन हो जो कॉल्स करती हो, मैसेजेस करती हो? बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है कि कोई कॉल्स करता हूँ, लेकिन एक दो बार हमारा टाकरा हुआ है और वो बड़ी एक ना खतरनाक जगह पे हुआ था। वो खतरनाक जगह ये थी कि मैं और भाई ना लंडे में गए थे शूज़ लेने, किट जिम के लिए ना किट लेनी थी, हमने कहा वहाँ से ले लें। तो ये भाई साइड पे जाके एक बेंच पे बैठ गए, एक रेडी वाले को डील कर रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं, तो मैं एक रेडी पे खड़ा होकर ना एक शूज़ देख रहा हूँ।
तो एक लड़की हमारी बहन आई है इनके पास, कहती कि आप हनान चैंपियन है ना, कहता नहीं वो है। अब वो मेरे पास आ गई तो उसने कहा भाई, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा ये आप हैं, मैं वीडियो देखा कि मैं कहा जी मैं हूँ, तो कहती तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं लंडे में, क्या कर रहे हैं में क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब इसने मुझ पर डाल दिया, मैंने कहा ये शूज़ उसके लिए मैं ले रहा हूँ, मैंने इस पर डाल दिया। तो वहाँ से उसने इस तरफ देखा है उसकी तरफ, पीछे से मैं भाग गया हूँ, उधर से इस मेरे पास आई है, ये वहाँ से पीछे से ये भाग गया, दौड़ लगा दिया, दौड़ लगा दिया। बस वो नहीं बोलता हम नहीं, उसके बाद हम जाते हैं लंडे में, ये नहीं कि जाते नहीं है, लेकिन मास्क वगैरह अपने आप को कवर करके यार कोई देख ना ले हमें। तो कभी ऐसा हुआ कि खाना खाने गए वहाँ भी लोग बचा लेते हो? बिल्कुल ऐसा हो जाता है अक्सर। अच्छा, इंडियन सॉन्ग्स पे अगर वीडियोस आप बनाते हैं तो इंडियन सॉन्ग्स पे वीडियो बना के यूनिफॉर्म में इजाज़त मिल जाती है उसकी डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं, इजाज़त तो देखें कोई भी डिपार्टमेंट मोस्टली जो बेल्ट फोर्स है इजाज़त नहीं देती कि आप वीडियो बनाएं या पिक्चर शेयर करें, ये तो मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ कि ये अलाउ नहीं है। लेकिन हमने इजाज़त भी नहीं ली हुई, लेकिन हम इस तरह की वीडियोज़ देते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना वो देखें तो वो कहें ठीक है ये सिंपल है इसे स्किप करें। अच्छा, आप दोनों को देख के क्या बाकी ऑफिसर या किसी में बदलाव हुआ है, क्या उनके अंदर भी शौक पैदा हुआ कि वो भी टिकटॉक पे आए? नहीं, हमें काफ़ी ऑफिसर्स मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने आपकी तरह फिट होना है। वो होते हैं ना कुछ लोग, वो जाहिर बात चेयर पे बैठते हैं तो खाते पीते चेयर पे बैठते हैं, उनका पेट निकल आता है, तो अगर हमारी तरह होना है तो टिकटॉक स्टार्ट कर, क्योंकि टिकटॉक पे अगर आएंगे तो बंदे को नजर आएगा यार मैं यूनिफॉर्म पहना कैसा लग रहा हूँ मैं। अगर हम देखो यूनिफॉर्म पहन के अगर टिकटॉक में आ रहे हैं, वीडियोस में आ रहे हैं, देख के लगता है कि यार हम परफेक्ट लग रहे हैं। अगर कोई ऑफिसर ऐसे जो कि थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, काफ़ी पेट वगैरह निकला होता है, तो उनको बोलते हैं कि अगर चेंज करना ना तो टिकटॉक पे आ जाएं आप, टिकटॉक पे आ जाएं, फिर आपको हुसन का निखार आ जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है।